वैशाली नगर स्थित चौधरी कॉलोनी और आसपास की कॉलोनी के पास बने नाले को पाटकर कुछ माफियाओं द्वारा अवैध दुकानें बनाई जा रही हैं। इसके विरोध में लगातार क्षेत्रवासी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज इसी विरोध के चलते क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रीय जनता ने बताया कि उन्होंने जनप्रतिनिधि, विधायक, मुख्यमंत्री पोर्टल तक इस बारे में शिकायत की है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही उन्हें दुकान बनाने से रोका जा रहा है। कॉलोनी वासियों ने कहा कि उनकी मांगें जब तक नहीं मानी जाती है तब तक वे अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। चौधरी कॉलोनी, शिवसागर कॉलोनी, अमरदीप आरपीएससी कॉलोनी का मुख्य मार्ग नरेंद्र मोदी पथ पर लगभग अतिक्रमियों के द्वारा 17 दुकानें बनाई जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि वो नाले पर है और नाला इतना बड़े नाले को पाट कर बना रहे हैं और इतना प्रशासन मूक दर्शक बना रहेगा, हमें कल्पना भी नहीं करी कि इस अजमेर में ये क्या हो रहा है। और आना सागर का पहाड़ियों से गिरा हुआ जो मुख्य नाला है, मुख्य नाले में जो पानी आने का जो सोर्स है, यदि वो सोर्स रहेगा तो, और हमारे साथ जब बरसात आती है तो चौधरी कॉलोनी यहाँ पे इतना पानी भर जाता है कि आने वाले समय में वहाँ पे आदमी गाड़ियाँ लेके भी निकल नहीं सकता। और इन मुख्य कॉलोनियों का जाने का एक ही मार्ग है, वो भी 25-30 फुट है, और जब 17 दुकानें बन जाएगी, नाले को पाट देंगे तो क्या होने वाला भैया? पूरा आपने पूरा आना सागर पाट दिया, हमने कुछ नहीं कहा, अब हमारे घर के जाने का रास्ता तो रहने दो। तो माफिया, हमारे कुछ प्रमुख लोगों को धमकाने का कार्य भी किया जा रहा है, किसी को डराने का कार्य किया जा रहा है। हम लगातार जनप्रतिनिधियों को, विधायक महोदय को और हमारे संभागीय आयुक्त DC माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हमारे आनंद जी राजावत साहब हैं, आनंद जी माथुर साहब हैं, एडवोकेट साहब, ये इन्होंने पोर्टल पर भी शिकायत कर दी है इसकी। तो CEO आज कमिश्नर साहब के भी अजमेर विकास प्राधिकरण हम गए, लेकिन कमिश्नर साहब उपलब्ध नहीं हो पाए, संभागीय आयुक्त ऑफिस भी गए और कलेक्टर साहब के यहाँ पे भी गए। तो लगातार हम ज्ञापन और हमारी तरफ से जो प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए उस कार्रवाई पे हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और अंतिम खून की बूंद हमारे में बचेगी जब तक इन दुकानों को तो नहीं बनने देंगे। अच्छा, माफिया चाह रहे हैं, क्या तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है? अरे कहीं तो छोड़ दो यार, नाले तो छोड़ दो, कम से कम पानी चल जाए, हम आराम से जी लें। और हमारा व्यक्तिगत घर उधर है, हमारा सबके मकान उधर है, जाने का रास्ता बचने वाला नहीं है। तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि शीघ्र इस पे कार्रवाई करें, अन्यथा हमको आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध, जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर, आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।